श्री फलसियानी जो कि एचएसबीसी बैंक के केस में विसल ब्लोअर हैं, जिनकी मदद से पूरी दुनिया को पता लगा कि उस बैंक में क्या हो रहा था, वो हमारे बीच लाइव थे, अभी भी हैं। उन्होंने कहा कि वो केवल दो बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। प्रशांत जी का धन्यवाद देते हुए और इस अवसर का धन्यवाद देते हुए उन्होंने पुष्टि की उन सब बातों की जो प्रशांत भूषण जी ने कही थी, और उसके साथ दो चीज़ों पे दोबारा ध्यान दिलाया। पहले तो ये कि भारत जैसे देशों के, भारत, अर्जेंटीना, रूस, ब्राज़ील, इन जैसे देशों के लाखों करोड़ रुपया हर साल बाहर जा रहा है काले धन के रूप में, और ये जनता का पैसा जा रहा है, इन देशों को लूटा जा रहा है, और इस सब में कुछ देशों के बैंक एक दलाल की भूमिका अदा कर रहे हैं इस पैसे की लूट। और अफसोस की बात यह है कि उन देशों की सरकारें उसे बचाना चाह रही हैं, इस सब को ढकना चाह रही हैं। उन्होंने नाम लिया स्विट्जरलैंड का, लक्जमबर्ग का, लिक्सेंस्टाइन का, इन सब देशों का, और उन्होंने कहा कि सामान्यतः यूरोप के जितने भी देश हैं इनकी सरकारें अपने अपने बैंकों के व्यावसायिक हितों को बचाने के लिए इस सब पे पर्दा डालना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें लाखों करोड़ रुपए का बिजनेस मिल रहा है हर साल, और अगर ये सच सामने आ गया तो इनका लाखों करोड़ का धंधा बंद हो जाएगा। इस चक्कर में ये सब सरकारें इस पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी चीज उन्होंने कही कि आज हम एक जंग में, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक जंग की तरह है, एक युद्ध की तरह है, और इस युद्ध में सबसे बड़ा हथियार है, औजार है, सूचना, और अगर हमें इस जंग को जीतना, भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ, लोगों के धन की लूट के खिलाफ, तो हमें सूचना चाहिए। भारत जैसे देशों को जिनका पैसा लूटा जा रहा है उन्हें सूचना चाहिए, और सूचना तभी मिल सकती है यदि जो लोग सूचना देने को तैयार हैं वो हमेशा इनसाइडर्स ही होंगे। इनसाइडर्स जो सूचना देने को तैयार हैं उनके जान माल की सुरक्षा की जाए, उन्हें पूरी तरह सुरक्षा प्रोवाइड की जाए, और किसी एक व्यक्ति की नहीं, इस अर्थव्यवस्था में और इस तरह की जितनी जटिल स्थिति होती है उसमें आपके पास सूचना कई स्रोत से आती है, कई तरह के एक्सपर्ट्स को जोड़ के आपके पास सूचना आती है, उस सब को जोड़ना होगा, और उन सब को जोड़ के ही आप सूचना हासिल कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ समस्या का बखान नहीं करना चाहते, अगर हम समाधान की तरफ जाना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम वो सूचना हासिल करें। भारत जैसे देशों के लिए तो ये चीज़ बाकी सबसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बातें फलसियानी जी ने कहीं। अब आप